Hi friends, Sandhya Ahluwalia this side, your communication influencer, life skill enhancer and many more mantles which I take care of. So today friends, I have come with a very a beautiful quote which says that problems keep coming in my life but God should give me the capacity to handle them. They will increase, problems increase होते हैं और हमें उतनी capacity होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को deal कर पाएँ. सबसे पहले आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल आर पैरा ओलंपियंस हु हैव बीन हु हैव शोकेस सच ब्यूटिफुल टैलेंट देयर कैपेसिटी टू यू नो हैंडल देयर केपेबिलिटीज. आज की डेट पे द इंडियन टैली हैज़ गॉन सो हाई फॉर द मेडल टैली विच हैज़ टच अप्रॉक्सीमेटली 15 आउट ऑफ विच 3 आर गोल्ड मेडल एंड 7 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज. This is as of now when I am speaking on the video and I'm sure we'll have lots of medals. Dosto, sabse pehle I would like to congratulate all the Paralympian winners who have participated, who have qualified and who have won definitely. Sabse pehli baat main hamesha sochti hu ki we are all perfectly fine, everything is intact and still hamari takleefein kabhi khatam hi nahi hoti. Aap unke bare mein socho jo aaj apne sare challenges apne जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स उनको फेस करते हुए दे हैव रीच टू अ लेवल वेयर एवरीबडी इज़ लुकिंग अपॉन देम एज द आइडल. उनकी कोई एज नहीं है, 19 ईयर्स अवनीज 19 ईयर्स, देन यू हैव जैवलिन थ्रोअर्स, देन यू हैव द डिस्कस थ्रोअर्स. हमने कहा नहीं अपना झंडा गाड़ा है. मुझे हमेशा एक चीज़ बड़ी इंट्रीग करती कि हम क्यों हमेशा अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के बहुत परेशान हो जाते हैं. आप उनको देखें जिनके पास चैलेंजेस कितने. Yesterday only I was watching KBC. वहाँ पे मिस बुंदेला had come. Now she's going to win a crore of rupees. She is blind. She cannot speak. She cannot see. तो हमें इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए. उनमें कितनी स्ट्रेंथ होगी, कितनी उनके अंदर एक यू नो देयर इज अ डीलिंग ऑफ द आई यू नो व्हाट आई वाज थिंकिंग. एंड फिर मैंने कॉम्प्रिहेंड किया कि इट्स गोइंग टू बी इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. उनका सबकॉन्शियस माइंड कितना स्ट्रांग होगा आप सोचिए. जो वो चीज़ को सोचते होंगे उसको अचीव करते हैं और उनको हमसे डबल मेहनत करनी पड़ती क्योंकि दे हैव दे ओन चैलेंजेस. अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू सी हैज़ टू कीप ऑन लिसनिंग, ही दैट पर्सन इज डिपेंडेंट. और कल जब मैंने उनको देखा उनका जो वीडियो एवी था उसमें शी वॉज वॉकिंग विदाउट द स्टिक. कमेंडेबल. एंड देन यू सी आर अचीवर्स, आर पैरालंपियन अचीवर्स, उन्होंने क्या झंडे गाड़े. इंडिया इज लाइक इट्स रेनिंग मेडल्स फॉर इंडिया. सो मेरा एक ही कहना है, मानना है कि आप अगर जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में भी कहा है, यू विन ट्वाइस यू लूज ट्वाइस. आपने अगर सोच लिया नहीं होगा काम तो नहीं होगा, अगर आपने सोच लिया होगा तो होगा. एंड अगर आपने सोच लिया होगा तो आपको सारे अपॉर्चुनिटीज उसी हिसाब से मिलेंगे, अगर आपने सोच लिया नहीं होगा तो देन इट कम्स टू अ फुल स्टॉप. So, looking into all these things, I would just like to congratulate the grit, the determination, the resilience in them is so amazing. That we should learn a lot from them. We should take them as our, you know, system wherein you should look upon them to, you know, achieve things. And definitely everything follows. Aap soch lo phir सारी चीज़ें आप दे, एवरीथिंग कम्स ऑन टू यू एंड यू कैन अचीव अ लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स. ओके देन, बाय, टेक केयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय, टेक केयर.